हेलो नमस्कार, वेलकम टू आइज रेसिपीज। दोस्तों, अभी ठंड का सीजन चल रहा है और जगह जगह हमें देसी भुट्टे या अमेरिकन भुट्टे दिख रहे हैं। सो मैं आज आपके लिए स्नैक्स की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, कॉर्न कैनापीज। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अमेरिकन भुट्टा लिया था, उसके दाने निकाल कर उसको पानी और नमक डाल के हाफ बॉईल कर लिया, फिर छलनी के ऊपर डालकर उसका पूरा पानी निकाल लिया है और फिर मिक्सर में डालकर सिर्फ 2 बार ऑन ऑफ करके उसे घुमा लिया है। तो इस तरह से ये हमारे स्वीट कॉर्न तैयार है, दाने उसके तैयार हैं। 2 शिमला मिर्च को मैंने ये वेजिटेबल चॉपर में डालकर बारीक कर लिया है, 2 चीज़ क्यूब लिए हैं और एक अनार के दाने निकाल लिए हैं। ब्रेड की स्लाइस को ये सबसे छोटी कटोरी से ये छोटी कटोरी रखकर ऐसे गोल सर्कल काट लिए हैं। मसाले में चाट मसाला, नमक और चिली फ्लेक्स है और थोड़ा सा तेल लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बाउल में मैं ये भुट्टे के दाने डाल रही हूँ। फिर हम शिमला मिर्च डालेंगे, इसका कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि कॉर्न है तो पीला, शिमला मिर्च से हरा और हम चीज़ डालेंगे तो वाइट, तो ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसमें हम ये चीज़ जो है ये कद्दूकस करके डालेंगे। आपके पास में कोई दूसरा चीज़ होगा वो डाला तो भी चलेगा। चीज़ डाल दिया, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और दोस्तों, मैं आपको काली मिर्च बताना भूल गई, तो ये 15 काली मिर्च मैंने कूट लिए थे, तो ये काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये हमने मसाले डाल दिए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार इसे टेस्ट करके देखेंगे। यदि कोई मसाला हमें कम होगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये मिश्रण दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है। और स्वीट कॉर्न के दाने थोड़े मिक्सर में से घुमाने के कारण ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है, बाइंडिंग आता है उसको एक तरह से। अब इसे हम थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, यदि कुछ कम होगा तो हम अभी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम मसाला और ऐड करेंगे, तो 1/4 टीस्पून से मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर। अब हमारा ये मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बस इसको अच्छे से मिला दीजिए। दोस्तों, गैस ऑन करने से पहले हम ये जो ब्रेड के सर्कल काट लिए थे उसको हम बेलन रख के उसे बेलन घुमा के थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो इसको ये चकला बेलन लेके उसके ऊपर एक एक स्लाइस ऐसे रख के आप ये बेलन घुमाइए और थोड़ा सा उसको पतला कर लीजिए। इस तरह से हम सारे ये ब्रेड के सर्कल को पतला बना लेंगे। दोस्तों, एक्चुअल ये वीडियो मुझे कल बनाना था, इसलिए मैंने ब्रेड काट ली, लेकिन मेरे पड़ोस में कुछ काम शुरू हो गया तो उसकी इतनी आवाज़ आने लगी कि
कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने ये ब्रेड की स्लाइस कट करके फ्रिज में रख दी थी, इसलिए मुझे इतना बेलन घुमाना पड़ रहा है। आप ब्रेड फ्रिज में मत रखिए और बाहर ही फ्रेश ब्रेड लाकर इमीडिएटली आप बनाइए, तो आपको इतनी देर नहीं लगेगी। दोस्तों देखिए, ये सारे हमारे ब्रेड के सर्कल को हमने बेलन घुमाकर पतला बना लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं। दोस्तों मैं गैस ऑन करके अपने पात्र उसके ऊपर रख रही हूँ और इस अपने पात्र में हम ब्रश से ऑयलिंग करेंगे। दोस्तों ये डिश बहुत ही झटपट बनती है, तो कभी भी आपको शाम को स्नैक्स के लिए, बच्चों के लिए बनाना हो या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। दोस्तों ये अपे पात्र गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर देना है और एक एक ब्रेड की स्लाइस हम इस अपे पात्र में रखते जाएंगे और बीच में ऐसे दबा के अच्छे से उसको रखेंगे। थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दिया तो भी चलेगा, मैं गैस बंद कर रही हूँ। एक बार इसे हम अरेंज कर लेते हैं और फिर से गैस ऑन कर देते हैं। ये ब्रेड की साइज हमने इसमें अरेंज कर दी है। अब इसके बीचों बीच हम ये कॉर्न का जो मसाला तैयार है इसे हम रखते जाएंगे। ये ब्रेड में हमने मसाला रख दिया है, फिंगर से थोड़ा सा कहीं बाहर आ रहा होगा तो इसे बीचों बीच कर देंगे। देखिए अब हम गैस फिर से ऑन करते हैं और बिल्कुल सिम पे रखते हैं। और इसके ऊपर एक प्लेट हम ढक देते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो मेल्ट होगा। गैस की फ्लेम सिम रखना। दोस्तों 2-3 सेकंड हो चुके हैं, अब हम ये प्लेट निकाल के एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है, थोड़ी थोड़ी इसकी स्मेल पिज़्ज़ा जैसे आती है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक ही बार ब्रश लेके ऐसे सारे ब्रेड के स्लाइस के साइड में घुमा देंगे। दोस्तों ये डिश तो सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को तो खास उनके बर्थडे पार्टी में ये ज़रूर बनाइए, सभी बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से 1-2 सेकंड के लिए हम प्लेट रख देते हैं। दोस्तों 2 सेकंड हो चुके हैं, अब हम फिर से ये प्लेट निकाल के देखते हैं। हाँ क्या बढ़िया स्मेल आ रही है, देखते बराबर खाने की इच्छा हो रही है। और ये चीज़ भी पूरा मेल्ट हो चुका है और ब्रेड की स्लाइस भी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से पकड़ के हम प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। एक तरफ से इसे पुश करना तो ये ऊपर आ जाएगी, फिर ये हम ये चिमटे से पकड़ के निकालते जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या बढ़िया, ऊपर से चीज़ मेल्ट भी हो गया है, नीचे से ब्रेड भी हमारी क्रिस्पी हो गई है। अब इस तरह से हम सारी ये ब्रेड की स्लाइस निकाल लेते हैं। ये हमारी कॉर्न कैनापीज तैयार हो गए हैं। दोस्तों देखिए ये हमारे कॉर्न कैनापीज तैयार हो गए हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा थोड़ा सॉस का डॉट डाल के और इसे गार्निश करेंगे। एक एक बीच में हम ये टोमेटो सॉस का थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब चारों तरफ हम ये अनार के जो दाने निकाले थे इनको हम चारों तरफ थोड़े थोड़े लगा देंगे।
तो ये खाने में थोड़े खट्टे मीठे लगेंगे। ये ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन ये लगाने से इसकी टेस्ट बढ़ती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ज़्यादा नहीं, एक चार पांच दाने रख दीजिए, क्योंकि ये साइज़ ही बहुत छोटा है तो ज़्यादा इसके ऊपर अनार के दाने नहीं आएंगे, लेकिन चार पांच तो इजीली आ जाते हैं। दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया खूबसूरत हमारी स्नैक्स की डिश तैयार हो गई है। बस एक बात ध्यान में रखना कि ये ब्रेड की डिश होने के कारण इसे गरम गरम ही आप सर्व कीजिए, तो ये क्रिस्पी लगेंगे। ठंडे होने के बाद ये थोड़े से नरम पड़ सकते हैं, तो इसे गरम गरम आप सर्व कीजिए। दोस्तों देखिए ये हमारे कॉर्न कैना पीस तैयार हो गए, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना। उससे ज़्यादा तो ये टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी को पसंद आएंगे। और दोस्तों आप आपके बच्चों के बर्थडे पे तो इन्हें ज़रूर बनाइए, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। इसे आप कॉर्न बाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे उठाकर एक ही बाइट में खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मेरे वीडियोस शेयर करते जाइए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उनको भी मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।